हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग लेवल अप इवेंट गाइस। और पहले बेबी ध्रुव में हम हैं वॉर, और वो वॉर का सीजन ख़त्म होने वाला है तो वॉर के रिवॉर्ड्स भी आने वाले हैं गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। आज का वीडियो मैं बात करूँगा कि फार्मिंग गोल्ड की और यूनिट्स की कैसे की जाए। तो बेसिकली जैसे ही ये लेवल अप इवेंट होता है वैसे तीन चार इवेंट और आते हैं गाइस। अरीना इवेंट आता है, एक एक हीरो यूज़ आता है, और एक इवेंट क्वेस्ट कम्प्लीशन। इवेंट क्वेस्ट कम्प्लीशन खैर ज़रा सा अनोइंग है यूनिट्स कमाने के लिए, बट जो ये तीन आते हैं लेवल अप, अरीना विंस और हीरो यूज़, इनमें आप बहुत आराम से गाइस अगर आप ये माइलस्टोन देखेंगे तो आपको गोल्ड मिल रहा है इनमें। हर हर माइलस्टोन में मिल रहा है, गोल्ड क्रिस्टल मिल रहे हैं एंड गोल्ड मिल रहा है, रिवाइव मिल रहा है, एंड फाइनली आपको 25 यूनिट मिल रहे हैं रोज़ के। तो बेसिकली अगर आपने इवेंट क्वेस्ट कम्प्लीशन किया नहीं है और हफ्ते में वो दो बार आता है तो 7 दिन में से 5 दिन आप 125 यूनिट कमा सकते हैं वेरी इजीली थ्रू आउट द वीक। तो मतलब 125 × 5 आपका हो जाएगा अबाउट कितना, 600, 625 यूनिट फॉर अ वीक बहुत है। आपको गोल्ड कितना मिल रहा है, आपको 10,000, 3 गोल्ड क्रिस्टल, 20,000, 2 और गोल्ड क्रिस्टल अनकलेक्टेड है शायद ये, तो बहुत गोल्ड होता है इसमें एंड यू गेट दैट। बट गोल्ड के लिए आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल्स आप अपने होल्ड करके रखिए, कलेक्टेड अनकलेक्टेड और ये वाले जो भी आपके क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर आप अनकलेक्टेड क्रिस्टल में देखोगे एक में आपको कितना गोल्ड मिलता है ऑन एवरेज, मतलब एक बार 10 पॉप करके देखते हैं फिर एवरेज समझ आ जाएगी क्या होती है एक क्रिस्टल की, उससे बेटर समझ आएगा, ऐसे पूरा घुमाने से अच्छा नहीं है। 25,000 आपको गोल्ड मिलता है, ठीक है। एक बार फिर से बैक करते हैं और देखते हैं 10 पॉप अगर मैं करूँ एक बार तो ऑलमोस्ट 2 लाख मिलता है। बट ये होल्ड इसलिए करने होते हैं क्योंकि जब आप आगे जाते हैं क्या बोलते हैं अपनी इसमें, आपको साल में 2 बार देता है कबैम अपॉर्चुनिटी मैसिव गोल्ड कमाने के लिए, जिसमें आपको 20% और देगा। ये 2 लाख है, इसका 2,20,000 देगा। एक आता है क्रिसमस के अराउंड और अभी जो ये लेजेंड सेलिब्रेशन आया था एक उसके टाइम के अराउंड आता है गाइस। दूसरा तरीका गोल्ड कमाने का है ये बैटल चिप्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बैटल चिप से आप अरीना क्रिस्टल्स खोल सकते हैं और उसमें भी बहुत गोल्ड होता है, और वो भी आपको तभी खोलना चाहिए जब कदम आपको 20% वाला बूस्ट देता है गाइस। सो या आई मीन मेक श्योर, ये देखो यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड इससे बहुत मिलता है। तीसरा सोर्स आपका गोल्ड कमाने का है क्वेस्टिंग। तो आप किसी भी क्वेस्ट में जाएंगे और मूवमेंट देते हैं तो आपको गोल्ड मिलता है गाइस। इफ़ यू हैवन नोटिस्ड, जैसे अगर ये मूवमेंट दूंगा मैं यहाँ पे तो प्लस गोल्ड आया मेरा, एंड अगर आपने नोटिस नहीं किया अपने वाले में जाके चेक करिए एंड यू विल सी कि गोल्ड आता है। बाकी यूनिट्स का तरीका अरीना में पहले ही बता चुका हूँ। डेली जो अभी मैंने बताया हीरो यूज़ अरीना वेंस एंड लेवल अप वो तो है ही, एंड तीसरा अगेन क्वेस्टिंग एंड साइड क्वेस्टिंग। तो अगर आप व्यू रिवॉर्ड्स में जाओगे और हर चीज के रिवॉर्ड्स देखोगे, अगर चैप्टर 1 कंप्लीशन यहाँ पे देखोगे 15 आपको यहाँ मिल रहे हैं, 15 और ये कितने हो गए 20, 35, 35 और क्या बोलते हैं 30, 65, 65 और 20, 85, 85 और 30, 115, 115 और 30, 150, 150 यूनिट नॉर्मल में, 150 हीरोइक में, मास्टर में भी सिमिलर 150 ही होते हैं आई थिंक, ये ज़्यादा यूनिट्स देते नहीं हैं। 30 यूनिट मिल रहे हैं, 30, 50 और सॉरी 30, 50 और आई थिंक 70, 150 कैवलियर में आई थिंक देर आर नो यूनिट्स।
कैवलर डिफिकल्टी में यूनिट्स नहीं मिलते, बाकी इन सब में आपको 150 150 600 यूनिट यहाँ से फ्री में मिलते हैं महीने के। एंड देन अगर आप अरीना रेगुलरली करते हो तो आपको उसके भी मिलते हैं, स्टोरी क्वेस्टिंग करते हो उसके भी मिलते हैं। सो यू कैन रियली रियली होल्ड ऑन यूनिट्स, और मेरे हिसाब से आपको कभी भी वो नहीं करना चाहिए, यूनिट्स नहीं यूज़ करना चाहिए, पॉट फार्मिंग करनी चाहिए एंड रिवाइव फार्मिंग करनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको लेना चाहिए गाइस। ओके, तो मेरे पास ज़्यादा मिस्टेक का आइसो नहीं है, जो जितना होगा हम आज लेवल अप में वही करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अचीव ओनली द यूनिट्स वाला माइलस्टोन, पर अब हम कैवेलियर हैं तो हमें वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि हम क्लेम ओशिट वो कर पाएँ, 5 स्टार सिग्नेचर स्टोन भी मिलता है अब तो। सो या दैट्स बेनिफिशियल अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है, और वो भी आपको रोज़ मिलता है तो आप वो भी रोज़ होल्ड कर सकते हैं गाइज। यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास कॉस्मिक पड़ा है, कॉस्मिक है तो कैप्टन मार्वल को ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा काफ़ी देर से अटकाया हुआ मैंने उसे, जैसे ही कॉर्वस मिला था मैं भूल गया कैप्टन मार्वल को, बट कोई नहीं, रैंक 4 पे फुली लेवल अप करेंगे ऐसे भी। गार्डियन भी है हमारे पास, गार्डियन को भी रैंक 4 मैक्स करना है, क्योंकि ये भी यूज़ करना शुरू करना है मैंने, काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, आई एम बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बेटर चैम्प्स, क्योंकि यार मज़ा आता है बेटर चैम्प से, बट गार्डियन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, जस्ट वेटिंग कि इसको मैक्स कब करूँ मैं, और फिर इसका भी गेम प्ले बनाना है, बहुत चैम्पियंस के गेम प्ले बनाने हैं गाइस मैंने, प्रोफेसर एक्स का भी बनाना है। अभी मेन अकाउंट में जाएंगे तब आएगा असली डिलेमा कि किसको रैंक करना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अब यहाँ से बेसिक ही लें और इसको पूरा कर दें एक बार फटाफट, हो गया पूरा, बूम, आई थिंक मेरे पॉइंट्स भी हो जाने चाहिए अब तक। लेट्स सी, 5 के 5 माइलस्टोन हो गए, यस डन। चलो गाइस चलते हैं मेन अकाउंट में अब फटाफट। ओके, आ गए हैं मेन अकाउंट में, यहाँ पे भी जल्द से निपटाते हैं एक बार लेवल अप के माइलस्टोन्स। काफ़ी टाइम से मैंने डियाब्लो को लटका के रखा है तो इसको एक बार मैक्स आउट कर देते हैं। मेरे पास एक रैंक 4 to 5 का जैम पड़ा है, वो लगाएं इस पे या फिर क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मेरे पास एक्चुअली बहुत, अरे यार ये भी यूज़ करने हैं, मेरे पास ये कैटलिस्ट बहुत पड़े हैं है ना, Tier 1 Tier 2 वाले, क्या करूँ यार, आई यूज दिस, मैं देखूँ स्टार्क इनहेंस्ड कहाँ गया, इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए सब कुछ आई हैव। आई थिंक डियाब्लो के लिए एक बार हम यूज़ कर लेते हैं फटाफट से रैंक अप जैम, इसको फालतू में लटकाते नहीं हैं, और इसके लिए मैंने एक रैंक अप यूज़ कर लिया जैम अपना, एंड लेट्स यूज सम मिस्टिक आईसो, क्योंकि आई एम प्रेटी श्योर मेरा टैग आईसो ख़त्म हो चुका है। अब मैं फिर से अगर टैग को रैंक अप करूँगा तो फिर स्टार्क इनहेंस स्पाइडरमैन भी अटक जाएगा। मैंने अब ये सोचा है कि पहले मैं रैंक 2 दोनों को करूँगा, स्टार्क इनहेंस स्पाइडरमैन को और घोस्ट को, दोनों के साथ गेम प्ले करूँगा फिर, एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि किसको अब मैं रैंक 3 लेकर जाऊँगा। तो आई विल डू अ फेस ऑफ बिटवीन स्टार्क इनहेंस्ड एंड घोस्ट, और देखेंगे हमें किस में ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, एंड वील रैंक देम अप अकॉर्डिंगली गाइज। ऑलमोस्ट हो गया है टीयर, मतलब जो बचे हैं पहले उनसे काम चलाते हैं, ये भी मेरे लैप्स हो जाते हैं, वरना लैप्स करने से अच्छा है धीरे 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 रैंक अप कर लूँ। मैंने म्यूट किया हुआ था क्योंकि कॉल आ गया था शायद मुझे, कुछ तो पंगा हुआ था, कॉल ऑफ कर देता हूँ एक बार फटाफट। ओके, बहुत स्लो हो रहा है पर कर लेते हैं धीरे धीरे, लिटल लिटल स्लोली स्लोली, सिंपल सिंपल। हो गया मेरे लेवल 5 तक, हो गया होगा शायद लेवल अप, वो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा
वॉर मशीन भी मिला है मुझे, इसमें टेक के डाल सकते हैं। ओह टेक में है तो मेरे पास थोड़ा बहुत स्टॉक, बट आई विल सेव दिस फॉर गोस्ट एंड स्टार्क एंड स्पाइडरमैन गाइस, वेरी सिंपली पुट, उनके लिए बचा के रखना है मुझे सामान। 5 दिन दिखा रहा है अभी, तो मतलब ये लैप्स हो जाएगा, उससे 6-7 दिन का गैप रखना चाहिए, आईसो को भी लैप्स ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए। हाँ हो गया होगा, नहीं, अरे यार बहुत तड़पा रहा है। सबसे इजी होता है इसमें फिर 4-स्टार चैंपियंस को कर लो। अबे एक ही है मेरे पास, अब हो जाएगा शायद। 4 स्टार्स को भी करते हो तो फटाफट पॉइंट मिल जाते हैं। किसी को भी कर देते हैं, शंक्ची को कर देते हैं थोड़ा सा। पांच छह में हो जाएगा ये वैसे, नहीं एंड ओ नहीं हुआ, जाना चाहिए अब, काफी ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं 2000 वाले ले लेते हैं। यार सारे खत्म हो गए छोटे वाले, कर दिया शंक्ची। ओए होए होए एंड वी आर डन राइट। और भी कुछ मिला क्या? हाँ ठीक है गाइस, ये भी हो गया गाइस, आज के लिए इतना ही है वीडियो में, आशा करता हूँ आपको पसंद आया। इन केस यू डिड लाइक इट प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स अलायंस मेंबर सबके साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।